हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग केंट एस 8 लीटर के RO वाटर प्योरीफायर का अनबॉक्सिंग एंड इंस्टॉलेशन रिव्यू करने जा रहे हैं। हमने ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। लगभग 13,500 का फ़िल्टर हमें 11,250 रुपये समथिंग का पड़ा था। ये इसके पार्ट्स आए थे। इसके साथ एक फ़िल्टर, कुछ वाटर पाइप्स और इंस्टॉलेशन के लिए कुछ मटेरियल्स आया था। आप इसकी डिटेल्स यहाँ पढ़ सकते हैं। ये इसकी वायर है लगभग 2 मीटर लंबी और इसमें वॉल माउंट लगा हुआ है। आप इसको ऑर्डर करने के बाद इसकी इंस्टॉलेशन को स्केड्यूल करा सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन है तो बहुत इजी, लेकिन अगर आप इसको खुद इंस्टॉल करेंगे तो बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, क्योंकि इसकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। और वैसे भी फ्री इंस्टॉलेशन है तो आप खुद क्यों मेहनत करेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास ड्रिल मशीन और अपने मेजरमेंट्स वगैरह लेके आए हुए थे। क्योंकि मैं यहाँ पे एक मॉड्यूलर किचन बनवाने वाला हूँ, तो मैंने उन्हें पहले ही मेजरमेंट दे दिए थे कि किस जगह पे लगाना है, और ये उसी हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। इनके पास एक ऑलरेडी एक मटेरियल रहता है जिसमें कि एग्जैक्ट मेजरमेंट रहते हैं कि वो कहाँ पे ड्रिल करें। ये है उसका मटेरियल, पेपर पे बना होता है कितने डिस्टेंस पे इसके नट्स लगाने हैं एट्सेट्रा। जब तक इंस्टॉल कर रहे हैं तब तक मैं आपको इसके फीचर्स बता देता हूँ। ये हमने इसलिए प्रेफर किया, 8 लीटर ये बहुत इनफ साइज़ होता है। 8 लीटर मीन्स आप 1 लीटर की 8 बॉटल्स भर पाएंगे। और ये RO, UV, UF, TDS सब कंट्रोल करता है। हमारे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ का TDS अबाउट 350 था, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखा भी दूँगा। ये इसके कुछ पार्ट्स हैं, RO मेम्ब्रेन, UF, इनलाइन कार्बन फिल्टर, ये इसकी मोटर है। और लेफ्ट साइड में आप ये एक छोटा सा स्क्रू देख रहे होंगे, ये TDS को कंट्रोल करने का है। आपका TDS लगभग 100 से 120 के बीच में रहना चाहिए था। बहुत ज़्यादा अगर आप TDS कम कर देंगे तो आपको सिर्फ पानी मिलेगा, पानी के कोई गुण नहीं मिलेंगे, है ना। तो ये RO मेम्ब्रेन है और यही मेन पार्ट होता है इसका, है ना। ये दो वायर हैं, ये मोटी वाली वायर जो है ये इनलाइन वायर है, ये छोटी वाली जो है ये आउटलेट है। ये मैं आपको TDS कैलकुलेट करके बता देता हूँ। प्लीज़ इग्नोर द यूटेंशल्स बिहाइंड। सो एज आई सेड, यहाँ का 395 यहाँ का TDS है। ये सिंपली ड्रिल कर रहे हैं यहाँ पे। और जस्ट आपको ये बता दूँ कि इसमें बहुत सारे फ्लिपकार्ट पे अलग अलग ऑफर्स और बहुत एस प्लस और अलग अलग साइज, बट एज केंट इज़ अ ब्रांड सो आई प्रेफर गोइंग विद द ब्रांड। अदरवाइज़ यहाँ पे 4 से 5 हज़ार तक के फिल्टर्स भी आ जाते हैं और लोग कहते हैं सेम ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल अगेन, बिकॉज हमें 3 साल की वारंटी और सॉरी 1 ईयर की वारंटी और 3 साल तक इसमें हमें कोई भी सर्विस करानी है तो उसका कोई चार्ज नहीं है। 3 ईयर्स तक नो सर्विस चार्ज। बट अगेन, अगर आप यहाँ पे कुछ अलग से लगवाएंगे इसमें, जैसे कि मुझे एक सेडिमेंट फिल्टर लगवाना है तो उसका इन्होंने 700 रुपीज़ मुझे बताया था, वो केंट का ही आ जाएगा। और बिकॉज़ यहाँ पे हम लोगों ने 3 ईयर्स नो सर्विस चार्ज लिया हुआ है, मतलब जो फ्री आ रहा है, तो हमें वो लगवाने का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, है ना। और वारंटी में क्या क्या कवर हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स जो भी हैं वो कवर होंगे। जैसे कि मेरा ना ये पाइप जो आप देख रहे हैं आउटलेट वायर, ये मुड़ गई थी हल्की सी, इसके कारण ये पानी बाहर नहीं जा रहा था। तो ये लगभग 1 घंटे तक हमारा ये मशीन चलता रहा, बट हमें समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर हमने यही जो भाई साहब आए थे, इन्हीं को हमने वीडियो कॉल किया, इनको दिखाया, इन्होंने बताया कि ये जो वायर है इसको आप थोड़ा सा जो मुड़ी हुई है उसको सीधा कर दें तो ये चलने लग जाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ, ये चलना शुरू हो गया। तो ये सब चीज़ें वारंटी में कवर होंगी। व्हाट इज़ नॉट कवर्ड इन वारंटीज, इफ़ यू विल ड्रॉप दी RO तो ये आपका कवर नहीं होगा, है ना, वारंटी में। तो ये अभी इसको खोल के इसका TDS सेट कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि
पानी कई बार आपको बहुत तेज आता हुआ दिखेगा, कई बार बहुत कम आता दिखेगा। बहुत कम आना मतलब ये बहुत ज़्यादा फिल्टर कर रहा है। अभी आप देखोगे कि जब इन्होंने इनिशियली किया था तो इसका TDS लगभग 30 के आसपास आ रहा था। तो एज आई स्क्रॉल थ्रू लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ एंड वेब पे भी मैंने देखा कि इसका जो TDS है वो अबाउट 110 ऐसा कुछ रहना चाहिए। तो दैट इज़ वॉट आई मेड श्योर ऑफ कि 110 120 के आसपास मेरा TDS रहे। यहाँ पे आपको केंट का एक ऐप भी मिल जाता है जिसमें कि आप ऐप में सारे कुछ जैसे कि सर्विस रिक्वेस्ट, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वारंटी, वो सब ट्रेस कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो। एंड दैट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली, वेरी सिंपल ऐप। इफ़ यू वॉन्ट आई आई कैन एड अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो ये आपको अगेन दोबारा से TDS लेके दिखाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट 200 से 300 रुपये का आता है, भी आप ख़रीद भी सकते हो। सो ये आप देख रहे हो 101 TDS आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो बस बहुत ही छोटा सा इंस्टॉलेशन है। आप TDS अगर कंट्रोल करना चाहो खुद से, तो आप खुद से भी खोल के इसको जो स्क्रू आपने देखा उसको कर सकते हो। ये मैंने इनको बोल दिया कि एक बार आप वायर्स और ये आउटलेट जो पाइप वगैरह इनको थोड़ा सेट कर दीजिए, क्योंकि मेरे घर पे भी कंस्ट्रक्शन होना है। तो ये उसी को सेट कर रहे हैं। और प्लीज़ मेक श्योर, बिकॉज़ मैं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहता हूँ, 4th फ्लोर पे आउट ऑफ 24 फ्लोर्स। सो मेरे यहाँ पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि नहाने पे मतलब उससे चोट लगती है। तो वी यूजुअली फुल हम लोग नहीं खोलते नल को। तो आप देख रहे होंगे वो उसे ऑन करते वक्त 20 से 30% पे ही रखेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे सजेस्ट भी किया था। पर मैंने एप्लीकेशन जो केंट के ही द्वारा आती है उसकी कुछ स्क्रीनशॉट्स, आप कैसे सर्विस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा फ्लिपकार्ट की परचेज रिसिट वगैरह डाल दी है जो मुझे 11,200 समथिंग की पड़ी थी। तो आप इसे सबको रिव्यू कर सकते हो, और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी रिक्वेस्ट हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।